गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ आफ्टर फीचर्स वी विल डिस्कस अबाउट एडवांटेजेस ऑफ MNC। मल्टीनेशनल कंपनी के फायदे क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होते हैं। नंबर वन, इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, देखिए फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। ऑल द कंट्रीज हैव डिज़ायर टू मैक्सिमाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हर देश की डिज़ायर, इच्छा होती है कि उसके देश में फॉरेन कैपिटल आए, फॉरेन करेंसी आए। और फॉरेन कैपिटल कब आएगी, जब देश में MNCs आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी। तो मल्टीनेशनल कंपनी का सबसे बड़ा देश को बेनिफिट होता है कि देश में फॉरेन करेंसी आती है, देश में फॉरेन एक्सचेंज आती है, जिससे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो नंबर वन है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, फॉरेन कैपिटल बढ़ती है, करेंसीज आती हैं। जैसे पेप्सी और कोक जब इंडिया में आए तो इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी इन्वेस्टमेंट दी, इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी दी। यानी देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, फॉरेन करेंसीज आती हैं, और फॉरेन करेंसी किसी भी देश की नीड होती है। फॉरेन करेंसी हर देश को चाहिए होती है, हर देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती है, सो फॉरेन करेंसी आती है। सेकंड, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम मिलता है लोगों को। देखो MNC जब देश में आती है तो क्या वो लेबर साथ में लेके आती है, नहीं। MNC मल्टीनेशनल कंपनी अपॉर्चुनिटी देती है एम्प्लॉयमेंट की लोकल पॉपुलेशन को। यानी अगर पेप्सी, कोक, सैमसंग, सोनी, कैडबरी आई, ये कंपनीज हमारे इंडिया में बनाई गई, तो इंडिया के लोगों को, इंडियंस को क्या मिलेगा, काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि कोई भी MNC अपनी लेबर को साथ नहीं लेके आती। कहने का मतलब है MNC बहुत बड़ा साइज होता है बिजनेस का, बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को काम मिलता है। तो इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट की MNCs एम्प्लॉयमेंट देती हैं, काम देती हैं। प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, MNCs से रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज होता है। देखो दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन यानी मैन पावर, पॉपुलेशन। हमारे देश में तो वैसे भी बहुत पॉपुलेशन है आइडल, आइडल का मतलब खाली बैठी है। और सेकंड होता है फिजिकल रिसोर्स, जैसे मटेरियल, मशीन, लैंड, बिल्डिंग। तो MNCs के आने से ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स जो आइडल पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उनका प्रॉपर यूज़ होता है। यानी MNCs रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती हैं, जिससे देश की नेशनल इनकम बढ़ती है, जिससे देश की वर्थ बढ़ती है। सो प्रॉपर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन एंड फिजिकल। ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज आइडल पड़े रहते हैं, MNCs के आने से इन आइडल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ होता है। फोर्थ, टेक्निकल डेवलपमेंट। MNCs के आने से टेक्निकल डेवलपमेंट होती है। टेक्निकल डेवलपमेंट का मतलब ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ये अपनी टेक्नोलॉजीज लेके आती हैं, इनकी टेक्नोलॉजीज को देख के हमारे देश की कंपनीज भी अपग्रेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं। दो कंट्रीज के बीच में टेक्नोलॉजी का शेयर होता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में टेक्नोलॉजी आती है, तो कहने का मतलब है टेक्निकल डेवलपमेंट होती है। और MNCs सबसे बड़ा बेनिफिट देती हैं टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में। जैसे सैमसंग, सोनी जब इंडिया में आए तो जो इंडियन मोबाइल कंपनीज थी, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को देखा कि सैमसंग और सोनी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, तो हम भी इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो MNCs के आने से टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती है, टेक्निकल डेवलपमेंट होती है। फिफ्थ, एंड ऑफ लोकल मोनोपोली। लोकल मोनोपोली ख़त्म होती है। मोनोपोली क्या होता है, जहाँ पे सिंगल सेलर होता है। देखो पहले क्या होता था, मैंने आपको आज लाइव क्लास में बहुत सारा हिस्ट्री डिस्कशन किया MNCs का। मैंने आपको बताया कि पहले क्या होता था, इंडिया में मोनोपोली थी, सिंगल सेलर होता था। 1991 से पहले, 1991 से पहले
सिंगल सेलर होगा, मोनोपोली होगी, तो वो प्राइस ज़्यादा चार्ज करेगा, कस्टमर को एक्सप्लॉइट करेगा, क्योंकि सिंगल सेलर है और कस्टमर के पास कोई चॉइस नहीं है, कस्टमर वहीं से खरीदेगा। लेकिन MNCs के आने से, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से मोनोपोली ख़त्म हो जाती है और कॉम्पिटिशन आ जाता है। एक MNC आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पांचवी आई, तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया। कॉम्पिटिशन बढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कस्टमर को कि प्राइसेस कम हो जाते हैं। देखो, जहाँ पे मोनोपोली होगी प्राइसेस ज़्यादा होंगे, सिंगल सेलर होगा प्राइसेस ज़्यादा होंगे, लेकिन जहाँ पे कंपटीशन होगा वहाँ पे प्राइसेस कम होंगे। तो MNCs के आने से, मल्टीनेशनल कंपनीज के आने से ज़्यादा प्रोडक्ट कंट्री में आते हैं, लोकल मोनोपोली ख़त्म होती है, प्राइसेस कम होते हैं, अच्छी क्वालिटी की गुड्स मिलती हैं कस्टमर को। तो ये भी फ़ायदा है कि लोकल मोनोपोली ख़त्म हो रही है। सिक्स्थ बेनिफिट है, एडवांटेज है, मैनेजीरियल डेवलपमेंट। कहते हैं मैनेजमेंट की डेवलपमेंट होती है। MNCs जो मैनेजर्स को अपॉइंट करती हैं वो मैनेजर्स एक्सपर्ट होते हैं। MNCs के मैनेजर्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जानने वाले होते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखते हैं। देखो, MNCs आती हैं, उनके मैनेजर्स जो एफिशिएंट होते हैं, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होते हैं, टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, उनके देखा देखी इंडियन मैनेजर्स, इंडियन कंपनीज भी ऐसे मैनेजर्स रखना स्टार्ट करती हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, जिन्हें मैनेजीरियल की, मैनेजमेंट की नॉलेज हो। तो कहने का मतलब मैनेजीरियल डेवलपमेंट होती है। देखो, MNCs के जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है। तो जो हमारे देश के लोग होते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है कि यार उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, हमारे देश की लोकल कंपनीज़ भी उन्हें कॉपी करने लगती हैं, हमारे देश की लोकल कंपनीज़ भी या नेशनल कंपनीज़ भी उनकी तरह मैनेजर्स अपॉइंट करने लगती हैं जो एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव, एजुकेटेड होते हैं। तो कहने का मतलब है देश में मैनेजमेंट की डेवलपमेंट होती है, प्रोफेशनलिज्म की डेवलपमेंट होती है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? देखो, MNCs के आने से जो हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो लार्ज कंपनीज बनाना स्टार्ट करते हैं कंपटीशन के चक्कर में। उन्हें लगता है कि बड़ी बड़ी MNCs आ रही हैं, वो फ़ायदा उठा रही हैं, इससे अच्छा हम भी बड़ी बड़ी कंपनीज बनाएं। यानी हमारे देश के लोग एनकरेज होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज बनाने के लिए। जब हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट एनकरेज होंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनाएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, तो उस प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट किया जाएगा। एक्सपोर्ट किया जाएगा तो देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा और देश में फॉरेन करेंसी आएगी। तो ये हैं MNCs के एडवांटेज, मल्टीनेशनल कंपनी के एडवांटेज कि देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। MNCs फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आती हैं, फॉरेन करेंसी को लेके आती हैं, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, लोगों को काम मिलता है, रिसोर्सेज जो आइडल पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उनका प्रॉपर यूज़ होता है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, MNCs की टेक्नोलॉजी बहुत अपग्रेड होती है। तो एक टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हमारे देश को मिलता है, लोकल मोनोपोली ख़त्म होती है क्योंकि MNCs के आने से कंपटीशन बढ़ता है, और कंपटीशन का सबसे बड़ा फ़ायदा कस्टमर को मिलता है क्योंकि प्राइसेस कम मिलती हैं, क्वालिटी बेटर मिलती है, मैनेजीरियल डेवलपमेंट होती है। यानी जो MNCs की मैनेजमेंट होती है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होती है, उन्हें टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है। तो हमारे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, लोकल कंपनीज होती हैं, वो भी ऐसे मैनेजर्स अपॉइंट करती हैं जिन्हें नॉलेज हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जाने। तो कहने का मतलब है MNCs के देखा देखी टेक्नोलॉजी और मैनेजीरियल दोनों डेवलपमेंट होती हैं, एक्सपोर्ट बढ़ता है। MNCs के आने से, MNCs के प्रॉफिट कमाने से हमारे देश के जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इनकरेज होते हैं, वो अपनी कंपनी का साइज़ लार्ज करते हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, जिससे हम एक्सपोर्ट करते हैं और देश में क्या आता है? फॉरेन करेंसी आती है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ MNCs।